नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इस वीडियो में बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और देखेंगे कि किस तरीके के सवाल बैक्टीरियल जेनेटिक्स से फ्रिक्वेंटली सीएसआईआर में पूछे जाते हैं। बैक्टीरियल जेनेटिक्स को समझने के पहले हम लोग दो तीन बात समझना बहुत जरूरी है, जैसे फर्टिलिटी फैक्टर, Hfr, F- F- बैक्टीरियल सेल्स, इसको समझना जरूरी है। और इसी के आधार पर हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स को भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया में जीन का मैपिंग करते हैं। मैपिंग मतलब क्रोमोजोम्स पर जीन का लोकेशन के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया में अपना बैक्टीरिया का क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोमल डीएनए, जो मेन डीएनए हम लोग बोलते हैं। और बेस्ड अपॉन दैट, इफ बैक्टीरिया हैव एडिशनल प्लास्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर अगर उसके पास है तो उस तरह के बैक्टीरिया को एफ प्लस सेल बोलेंगे। अगर जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ माइनस बैक्टीरियल सेल। तो हमने देखा क्या कि जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर का जीन है उसको एफ प्लस, और जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर का जीन नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग एफ माइनस बैक्टीरियल सेल्स। ये फर्टिलिटी फैक्टर के जीन जो हैं वो कंजुगेशन ट्यूब्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और कंजुगेशन ट्यूब बनाने के साथ साथ ही अपना फर्टिलिटी फैक्टर एफ माइनस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर किसी तरीके का कंजुगेशन होता है एफ प्लस और एफ माइनस सेल में, तो एफ प्लस सेल कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं कंजुगेशन ट्यूब का, और ये एफ माइनस सेल में भी ये फर्टिलिटी फैक्टर का एक कॉपी चला जाता है, और अल्टीमेटली दोनों सेल्स, दोनों बैक्टीरियल सेल्स, जो पहले वाला एफ प्लस तो रहेगा ही और दूसरा वाला जो एफ माइनस सेल था क्योंकि उसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं था, इसमें भी फर्टिलिटी फैक्टर आ गया। तो सरल भाषा में एफ प्लस और एफ माइनस का कंजुगेशन होता है तो दो एफ प्लस सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स का निर्माण हो जाता है। अगला सवाल है कि अगर फर्टिलिटी फैक्टर के साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि मेन क्रोमोजोम्स हैं, अगर ये फर्टिलिटी फैक्टर मेन क्रोमोजोम से जुट जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है फर्टिलिटी फैक्टर, तो इस परिस्थिति को हम लोग Hfr सेल बोलते हैं। Hfr मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी फैक्टर मेन क्रोमोजोम्स में जुट गया। अब देखेंगे क्या कि फर्टिलिटी फैक्टर Hfr और एफ माइनस में अगर किसी तरह का कंजुगेशन होता है तो क्या स्थिति बनती है। तो अगर फर्टिलिटी फैक्टर तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद जो बैक्टीरिया का कुछ जीन है वो भी जाना चालू हो जाएगा, और इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे ही Hfr और एफ माइनस सेल्स का कंजुगेशन हुआ है कुछ जीन्स जाना चालू हो गए हैं एफ माइनस सेल्स में, और कुछ समय के लिए आप पाएंगे कि जब जाना चालू हो गया तो कुछ जीन जो कि पहले से एक कॉपी मौजूद है इसका अपना और एक कॉपी और आने लगा, तो इस तरह की स्थिति को हम लोग बोलते हैं मिरोजोआइड और पार्शियल डिप्लॉइड की स्थिति। क्यों? क्योंकि ये दो कॉपी कंटेन करते हैं कुछ समय के लिए। आगे होता क्या है कि जो जीन आया अगर मेन क्रोमोजोम से रिकम्बिनेशन किया और उस पर ट्रांसफर हो गया तो जीन रहेगा, अदरवाइज बाकी जो जीन्स रहे वो क्या कर जाते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाते, रिप्लिकेट नहीं कर पाते। तो हमने देखा कि Hfr एफ माइनस में कंजुगेशन होता है तो कुछ समय के लिए मिरोजोआइड पार्शियल डिप्लॉइड की स्थिति बनती है, और अगर जीन का रिकम्बिनेशन हो गया तो जो रिकम्बिनेशन के बाद जो मेन क्रोमोजोम्स में आ गए वो जीन हमेशा के लिए क्या है, सेल्स में जुट गए और नेक्स्ट जनरेशन में वो पास आउट होंगे। अगली स्थिति है Hfr क्रोमोजोम्स प्रोड्यूस एफ डैश सेल। एफ डैश सेल क्या है कि अब हमने देखा कि
फर्टिलिटी फैक्टर मेन क्रोमोजोम्स में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ, किसका क्रॉसिंग होगा, एचएफआर का, उस परिस्थिति में फर्टिलिटी फैक्टर बाहर निकल जाते हैं और साथ साथ में कभी कभी कुछ बैक्टीरियल जीन्स को भी कंटेन करके बाहर निकालते हैं। इस परिस्थिति को हम लोग एफ डैश सेल बोलते हैं। तो हमने अभी तक एचएफआर सेल के बारे में देखा, एफ डैश सेल के बारे में था, एफ फर्टिलिटी फैक्टर बैक्टीरियल एफ प्लस सेल के बाद देखा, एफ माइनस सेल्स के बारे में भी देखा और इम्पोर्टेंट कोरिलेशन और टर्म्स को भी हमने देखा। अब हम लोग आगे जो है देखते हैं कि एफ डैश मतलब फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर फ्यू बैक्टीरियल जीन्स एफ माइनस सेल्स। अगर फर्टिलिटी सॉरी एफ डैश सेल और एफ माइनस में अगर कंजुगेशन होता है तो जो फर्टिलिटी फैक्टर एफ डैश के साथ कुछ जीन आ गए हैं ये भी जीन को ट्रांसफर करने में सक्षम है। तो कौन कौन से कंडीशन में बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर हो सकता है, जब एच एफ आर सेल और एफ माइनस का कंजुगेशन हो और एफ डैश का कंजुगेशन हो एफ माइनस सेल से, तो दोनों परिस्थिति में बैक्टीरियल जीन का क्या हो सकता है, ट्रांसफर संभव है। अब जो अगली परिस्थिति है कि कैसे हम लोग बैक्टीरियल जीन का मैपिंग करेंगे, मैपिंग मतलब कौन पहले है कौन किसके बाद है, ये चीजें आपस में। तो सबसे बड़ा चीज कि जैसे हम लोग नॉर्मल क्रोमोजोम्स में ह्यूमंस में मैमल्स में जो हम लोग मैपिंग करते थे तो उनका जो दूरी हम लोग सेंटीमॉर्गन में मापते थे, जबकि बैक्टीरियल जीन्स की जो दूरी है हम लोग मिनट के टर्म में हम लोग नापते हैं। ये भी काफी बहुत महत्वपूर्ण है, मिनट के टर्म में मापते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो हम लोग कंजुगेशन के लिए एच एफ आर सेल्स को और एफ डैश को कंजुगेशन के लिए अलाउ करते हैं। जो सेल्स फर्टिलिटी फैक्टर के बाद जैसे ही रहेगा तो सबसे पहले हो जाएगा, उस समय और हम अलाउ करेंगे तो दूसरा जीन उसके बाद वाला जाएगा, उस समय और अलाउ करेंगे तो तीसरा जीन जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरप्ट कर दिए, मतलब हमने इसको इंटरप्ट कर दिया, इसके कंजुगेशन ट्यूब को ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक कर देंगे तो कंजुगेशन ट्यूब टूट गया तो कोई जीन अब नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट हम अलाउ किए हैं तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी जीन मिलने की, जो पहले फर्टिलिटी फैक्टर के बाद जो रहेंगे वही जीन जाएगा, उसके बाद वो दूसरा जीन जाएगा। इस तरीके से अगर हम एक ग्राफ बनाए टाइम के प्रोस्पेक्टिव में फ्रीक्वेंसी ऑफ एच एफ आर सेल का, तो हम देखेंगे कि जो जीन पहले फर्टिलिटी फैक्टर के बाद आए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो सबसे लास्ट में अंत में मौजूद होंगे, जो फर्टिलिटी फैक्टर के रिस्पेंस में अंत में मौजूद होंगे, इंड में मौजूद होंगे। तो इस तरीके से यह काफी महत्वपूर्ण है कि कंजुगेशन मैपिंग से कंसिस्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, और इसका मैपिंग यूनिट क्या है, मिनट है, और एच एफ आर और एफ माइनस बनते तो क्या होता है, मीरज ज्वाइट पार्सल डिप्लॉयड कुछ समय के लिए बनते हैं, ये सब सवाल काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू।